लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी जीत की है तो वो है बिहार की समस्तीपुर सीट, जहां से सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी चौधरी जीती हैं। और शांभवी जी आज हमारे साथ दैनिक जागरण पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। शांभवी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत दैनिक जागरण को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण की पूरी टीम का। कैसा लग रहा है आपको जीत के बाद? अच्छा लग रहा है, जीत तो जीत ही होता है। आप उसको इस बात की ज्यादा खुशी है कि प्रदेश के दूसरे नंबर पर जो होता है भारी संख्या से हम जीते, प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से हमारी जीत हुई है। और इस बात की मतलब जीत का जश्न तो होता ही है, पर साथ ही अपने जो जिम्मेदारियों का एहसास है वो भी हमें हो रहा है। और हम बस चाहते हैं कि जो आशाएं और जो आकांक्षाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को हमसे हैं उस पर हम खड़ा उतरे, उसके लिए हम मेहनत करें। शांभवी जी, दिल्ली की गलियां तो आपके लिए नई नहीं है, क्या कुछ प्लान भी बनाया आगे का? हाँ, अभी हम प्रेजेंटली दिल्ली में हैं क्योंकि हमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था कि अभी दिल्ली में रहना है कुछ दिन, जब तक सब प्रोसीडिंग शपथ वगैरह नहीं हो जाता। यहाँ से जाने के बाद हमारा क्षेत्र का एक रोड मैप डेवलपमेंट का पूरा तैयार है। हमारे चुनाव प्रचार के दौरान हमने एक घोषणा पत्र निकाला था। देश का घोषणा पत्र तो होता ही है, पर हमने अपने क्षेत्र का भी एक घोषणा पत्र निकाला था जिसमें हमने सड़कों की बात की थी, कनेक्टिविटी की बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों की बात की थी, रोजगार की बात की थी। तो ये सारे जो जितने भी पॉइंट्स हमने अपने घोषणा पत्र में लोकल इश्यूज को लेकर के जो हमने बात की थी उसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना है, और उसके लिए हमें काम करना है। यहाँ से जैसे यहाँ से फ्री होंगे वापस जाएंगे और अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। इनफैक्ट कई हद तक हमने अपना काम शुरू भी कर दिया। जहाँ तक बात एक लोकल इशू बहुत इम्पोर्टेंट था, मुक्तापुर फ्लाईओवर, भोला टॉकीज फ्लाईओवर, ये सारी चीज की काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है लोकल लेवल पे। तो हम मानते हैं कि जल्द से जल्द हम सबकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे और 5 साल नहीं, 1-2 साल में समस्तीपुर में बदलाव दिखने लगेगा। जब आप जीती तब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? उस पल कैसा महसूस कर रही थी आप जब आपको इस जीत की खबर मिली और इतनी बड़ी जीत की खबर मिली? हम समस्तीपुर में ही थे जी जब काउंटिंग हो रहा था, और जैसे एक चीज था जो हम पहले दिन गए थे क्षेत्र में, तो हमने कहा था कि हम यहाँ पे एक बेटी के रूप में आए हैं, और प्रत्याशी या सांसद बनना तो एक चुनाव का वो चुनाव के दौर में वो तो होता ही है, पर यहाँ पे हम आशीर्वाद मांगने आए कि आप हमें अपनी बेटी मान लें। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि हम इतने मार्जिन से जब जीते, तो उस मोमेंट हमको लगा कि हाँ, समस्तीपुर ने हमें अपनी बेटी मान लिया है। और हम मानते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि हमें ऐसे धरती का प्रतिनिधित्व करने का सदन में मौका मिल रहा है जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। और बस उसी समय हम सारे कार्यकर्ताओं से मिले, उनको धन्यवाद प्रकट किया, आभार प्रकट किया, और ठीक से जैसे अगले दिन हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ समय व्यतीत करना था और एक दो जगह भ्रमण पे जाना था, पर क्योंकि हमें दिल्ली आने के लिए फोन तुरंत आ गया तो हमें दिल्ली आना पड़ गया, और तो वो काम पेंडिंग है, वापस जाके सबसे पहले वही करेंगे। आपने संसद का जिक्र किया, नई संसद आप पहली बार जाएंगी, इससे पहले भी आपको कभी नई संसद में जाने का मौका मिला? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो पुरानी संसद थी वहां हम गए थे कॉलेज के टाइम पे, वहां पे घूमते थे, बट नए वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग में अभी तक तो हम नहीं गए, तो अभी पहली बार हम जाएंगे। अच्छा, संसद में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? क्या कोई एजेंडा भी है जिस पर आप काम करने के लिए अगले 5 साल का आपने सोचा है और रोड मैप बनाया है? डेफिनेटली मेरा देखिए, हम समस्तीपुर लोकसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा समस्तीपुर की बातों को वहां पे उठा सके। कई सारी चीजें अभी भी समस्तीपुर में नहीं हो पाई हैं, वो क्यों नहीं हो पाई हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं है, पर हम चाहते हैं कि अब ये जो मौका मुझे मिला है उसका हम पूरा सदुपयोग करें, और जब हम वहां पे जाएं तो जो समस्तीपुर की धरती की जो गौरवता है, जो हमारे बिहार का गौरव है समस्तीपुर की धरती, हम उसके बारे में बात करें और वो गौरव के लिए हम काम कर सकते हैं, वो गौरव उसको वापस लौटा सके। ज्यादा से ज्यादा हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का बात उठाना चाहते हैं ताकि हम अच्छा खासा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, आर्थिक विकास हो, रोजगार का वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की वो बढ़े, और हमारे युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिले, आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी होगा ही, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है अभी समस्तीपुर के लिए।
एक बार कनेक्टिविटी ये मानते कि सिर्फ सौंदीकरण नहीं होता कि आप कहीं किसी चीज का आप ब्यूटिफिकेशन करना चाह रहे हैं इसलिए आप वहां सड़क बना रहे हैं। सड़क कनेक्टिविटी से सही समय पे सही सुविधाएं पहुंच सकती हैं, सही समय पे शिक्षा, सही समय पे चिकित्सा पहुंच पाता है, और ये सारी चीज मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। सो जब हम पार्लियामेंट जाएंगे तो वहां पे हम जरूर ये सारी चीजों की मांग करेंगे समस्तीपुर के। प्रधानमंत्री मोदी से भी आपकी बातचीत हुई थी, आपने उनके साथ रैली भी की, वो पल आपके लिए कैसा था? बहुत ही ओवरवेलमिंग था। हम कई इसके पहले कभी हमें प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका नहीं मिला, तो जब हम उनको पहली बार मिले तो नेचुरली एक प्रत्याशी के तौर पे और एक भारत के कह सकते नागरिक के तौर पे भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ओवरवेलमिंग लगा, और उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। इस बात की हमें ज्यादा खुशी है और हमें इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे बारे में कहा था कि ये हिंदुस्तान की बेटी है, ये जीतनी ही चाहिए। तो ये हम मानते हैं कि जो इज्जत और जो जिम्मेदारी उस समय उन्होंने हमारे कंधे पे डाली, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर सकते। बिल्कुल, और जनता ने जनादेश दे भी दिया आपके पक्ष में। एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, आप अपनी जीत का आधार किसे मानती हैं? देखिए, सच बताएं तो नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है वो अभी भी बिहार में कायम है। उनके उनके जो करिश्मा है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो मोदी फैक्टर अभी भी है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके काम से भी लोग बहुत प्रसन्न हैं, उनके काम उनको भी लोग अभी वापस फिर से जिताना चाहते थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, और हमारे पार्टी के जो नेता हैं स्वर्गीय आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके नेतृत्व में भी जो ये सारे दिग्गज नेता होते हैं उनका अपना शेयर ऑफ वोट बैंक हमेशा होता है। जो वोट बैंक अभी भी इस चुनाव में इंटैक्ट था, तो वो वोट बैंक के साथ ही हम मानते हैं कि ये जीत का श्रेय मेरे सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी गर्मी में दिन रात लग के हमारे लिए इतना मेहनत किया। हमारे लिए आप कह सकते हैं मेरे लिए क्षेत्र एकदम नया था, उस क्षेत्र में मुझे अपनापन उन्होंने मतलब मुझे अपनाया और साथ ही मेरे लिए इतनी मेहनत की, तो हम ये जीत का श्रेय सारे अभी अपने कार्यकर्ताओं को भी उतना ही दें। शाम्भवी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, किसी और फील्ड में आप आराम से जा सकती थी, IAS IPS बनने का भी सोच सकती थी, या फिर कॉरपोरेट जो आजकल चलन में है, कॉरपोरेट में आप आराम से जा सकती थी, फिर राजनीति को क्यों चुना? हम अपने मतलब राजनीति में अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी है, और बचपन से ही हमने अपने पिताजी को अपने दादाजी को लोगों की सेवा करते हुए देखा। जो उनके क्षेत्र के लोग जब आते थे तो वो उनकी किस तरह से सेवा करते थे, वो उनकी किस तरह से मदद करते थे। हम हमेशा चाहते थे कि जनता की सेवा करना हमको अच्छा लगता था। जब हम राजनीति में नहीं थे तब भी हम सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे हुए रहते थे, जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी हम काफी एनजीओ के साथ काम करते थे, तो समाज सेवा तो था ही। और सौभाग्य से हमारी शादी भी ऐसे घर में हुई जहाँ मानव सेवा को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये जो सेवा का भाव था वो आया वो शुरू से ही मेरे में था। और हम ये मानते थे कि राजनीति में आने से आपको एक शक्ति मिलती है, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप जो अपेक्षाएं हैं उसको आप पूरा कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के आप संपर्क में रह सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप मदद कर सके। तो इसीलिए हमने राजनीति चुना, और हम ये मानते हैं कि सभी के आशीर्वाद से हमें वो शक्ति, हमें वो ताकत है कि हम अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। आपने राजनीति को चुना, आप जीती भी। अब अगर मान लीजिए कि अगर केंद्र सरकार में आपको मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो आपको क्या लगता है आप कौन सा मंत्रालय बखूबी संभाल सकती हैं? सच बताएं तो ऐसी हमारी कोई भी मन में अभी ये सब चीज को लेके हमने कुछ भी नहीं सोचा। हम पूरा श्रद्धा से चुनाव लड़े हैं, श्रद्धा से जीते हैं, और पूरी आगे भी पूरी श्रद्धा से हम जनता का सेवा करना चाहते हैं, और हम मानते हैं कि इसके लिए मंत्री पद होना आवश्यक नहीं है। और अगर 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 जी ऐसा कोई हो जिसके लिए हम आपका प्रश्न ये था कि अगर कोई मिलता है तो आप किस पे काम करना चाहती है, तो हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जरूर हम काम करना चाहेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि एक कम उम्र की दलित महिला प्रत्याशी हैं हम, और हम चाहते हैं कि ये जो प्रिविलेज है वो मेरे सोशल सोसाइटी में, जो मेरा सामाजिक कह सकते हैं कि जो मेरा सामाजिक सोशल स्ट्रेटा है, तो उसमें से बहुत कम महिलाओं को ये अवसर मिलता है। तो अगर मेरे को ये अवसर मिला तो हम उसका पूरा सदुपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की और बच्चों की हम मदद कर सकें। अच्छा, समस्तीपुर की जनता जिन्होंने आपको जिताया, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? उनसे हम क्या ही कहें, हम मानते हैं कि ये जैसे हम बार बार कहते हैं मेरा सौभाग्य है। एक छोटी सी बच्ची थे हम, जब अपना हम भाषण बचपन में 2-3 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर से देते थे, तो
उस बच्ची को उन्होंने वहां से यहाँ तक पहुंचा दिया है। तो कितना भी हम समस्तीपुर की जनता को धन्यवाद दे, कम ही है। जो प्यार और आशीर्वाद उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हम पे बना के रखा, वही प्यार और आशीर्वाद वो आगे भी हम पे बना के रखे। हम पूरी कड़ी मेहनत करेंगे। हम मेरे पे जो उनका विश्वास है वो बस आप कभी तोड़िएगा मत। हम प्रयास को पूरा करेंगे और बस आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच वापस आना चाहते हैं। और आप लोगों के जिस तरह से आप लोग मेरे सपने को पूरा किए, हम चाहते हैं कि हम भी आप सबके सपने को वैसे ही पूरा कर पाए। जी सांभवी जी, दैनिक जागरण को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण।